Hey guys, welcome back to the show. मेरा नाम है मेजर बीस्ट और आप देख रहे हो द मेजर पॉडकास्ट का सेकेंड एपिसोड. और इस बार हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कॉडम बीआर की कम्युनिटी से एक सेंसेशनल स्ट्रीमर. जी हाँ, नन अदर देन KGIYT. उनके साथ हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स में बात करी है. मैं चाहता जरूर कि आप इस पूरे पॉडकास्ट को कंज्यूम करो और आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना. एंजॉय करिए सेकेंड एपिसोड ऑफ द मेजर पॉडकास्ट. आजम खान AKA KGIYT. मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके साथ आज बात करने का मौका मिला. और मैं पूरी तरह से सारे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बात बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली है. बहुत ज्यादा मैच्योर एक हमारे पास गेस्ट आ रखे हैं. सबसे पहले तो भैया कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ. एंड फर्स्ट टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा आप सोच समझ के बात करने वाला सीन होगा. बट आई थिंक बात करते करते थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लग जाएंगे. बिल्कुल कंफर्टेबल है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नर्वस होने की जरूरत नहीं है. बिकॉज हम ऐसी फ्रेंडली बातें करने वाले हैं, कुछ भी मतलब हमने सोच समझ नहीं रखा. काफी नॉर्मल हो जाएगी. पहले तो मुझे बताइए आज का दिन कैसा गया आपका? बढ़िया था एज यूजुअल. दोस्त के दो स्ट्रीम, सुबह की स्ट्रीम की, शाम की स्ट्रीम की, फिर अब यहाँ हम बैठे हैं. अच्छा, आप रोज दो स्ट्रीम करते हो? हाँ, रोज का दो स्ट्रीम चलता है मेरा. एक आफ्टरनून रहती है जहाँ पे मैं क्लासिक गेम्स और अपनी ऑडियंस के साथ कस्टम्स टाइप करता हूँ. एंड शाम की स्ट्रीम मेरी बहुत ज्यादा इंटेंस टाइप होती है जहाँ पे नॉन स्टॉप में टूर्नामेंट्स में ही रहता हूँ. आजकल कॉम्पिटिटिव तैयारी प्रॉपरली चालू है. Nice. तो पूरा शाम का स्ट्रीम हम नॉन स्टॉप टूर्नामेंट्स भी रहते हैं. कहीं स्क्रीम्स हो रहा है, कहीं टूर्नामेंट्स हो रहा है. राइट. तो दोनों की स्ट्रीम की टाइमिंग क्या होती है? राइट, अगर हम नया कोई व्यूअर देखना चाहे तो मैं स्ट्रीम करता हूँ सुबह में, आफ्टरनून में 12 से 3 जी, एंड शाम की होती है 7 से 10 की. यार मुझे ना शुरू से आपसे एक बात पूछनी थी, KGI ही क्यों? और KGI तो चलो ठीक है, आपने नाम रखा है KGI अपना, ठीक है. उसके आगे आप, मैंने काफी बार नोटिस करा है कि KGI के आगे आप लगाते हो TM, टीम, राइट? तो वो क्या है, उसके पीछे एक वजह क्या है उस चीज की? वो टीएम तो ऐसे ही वो होता है ना, कहीं ना कहीं कोई लोग लगाते हैं स्मॉल सा आर रजिस्टर्ड. यहाँ मैंने टीएम रखा हुआ है, वो तो बस ऐसे ही लगा हुआ है. बाकी KGI का एज सच, मैं एक्चुअली काउंटर स्ट्राइक मैं खेल रहा हूँ 2003 से. इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 इयर्स जब से मैं गेमिंग में हूँ. तो जब मैंने स्टार्ट किया था CS खेलना, तो वहाँ पे एक मैंने क्लैन बनाया था खुद का क्रिप्टॉन नाम से. क्रिप्टॉन वर्ड आता है फ्रॉम DC के मूवीज जहाँ पे सुपरमैन हैड कम फ्रॉम क्रिप्टॉन. तो उसके प्लैनेट का नाम क्रिप्टॉन था. एंड जैसा कि एक ऐसा मेरा पूरा ये था आइडिया था कि सुपरमैन क्रिप्टॉन से आया हुआ अर्थ पे और वो पावरफुल बन गया जी. तो क्रिप्टॉन अगर मैं अपने क्लैन का नाम रखता हूँ तो एवरी क्रिप्टॉन मतलब क्रिप्टॉन क्लैन का हर मेंबर क्रिप्टोनियन है. एंड एवरी क्रिप्टोनियन ऑन अर्थ इज पावरफुल. तो इट्स ऑल अबाउट पावर. तो ये हिसाब से क्रिप्टॉन गेमिंग रखा हुआ, काफी गणित लगा रखा है, काफी लॉजिक लगा रखा है नाम के पीछे. तो या नाम वही है जैसे इंडिया के लोग इंडियन होते हैं, क्रिप्टॉन के लोग क्रिप्टोनियन. एंड एज पर द मूवी एवरी क्रिप्टोनियन इज वेरी मच पावरफुल ऑन अर्थ जी एज पर द स्टोरी. तो वही लॉजिक था पूरा. एंड क्रिप्टॉन गेमिंग इंडिया बहुत लंबा लग रहा था तो उसको शॉर्ट करके KGI कर दिया. एंड काफी अच्छा भी लगता है सुनने में KGI. जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया लगता है. मैं यार थोड़ा सा ना आपके मुंह से आपकी जुबानी में जानना चाहूंगा आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक की पूरी ई-स्पोर्ट्स की. आप थोड़ा सा बता दें अपने लाइक हमारे दर्शकों को, तो काफी बढ़िया रहेगा. ई-स्पोर्ट्स तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट. इसके पहले मैं जैसा कि आप जानते ही हो स्टार्ट किया था मैंने, एक्चुअली आई स्टार्टेड यूट्यूब विद CS:GO. मैंने जैसा कि अभी बताया कि मैं 2003 से CS 1.3 खेलना स्टार्ट किया था, फिर 1.6 आया, फिर कंडीशन जीरो आया, फिर CS सोर्स आया, फिर कंडीशन ग्लोबल ऑफेंसिव आया 2013 में. जी ग्लोबल ऑफेंसिव काफी टाइम तक खेला. एंड सडनली बस ऐसे ही दिमाग में आया कि यार एवरीबडी इज स्ट्रीमिंग देयर गेम प्ले एंड कहीं ना कहीं उसमें करियर बन रहा है. एंड उस टाइम पे मैं जॉब पे था तो आई थॉट एनीवेज मेरा जॉब ऐसा था कि अगर एक्चुअली आई वॉज इन IT तो IT में क्या होता है, मेरा रोल था सिस्टम एडमिन का. तो मेरे पास एक अच्छा सा सर्वर रूम था, चिल्ड AC था, बहुत सारे सर्वर्स थे आसपास, नेटवर्क के वायर्स वगैरह थे. तो
एक ऑफिस का जो हार्ट होता है, जो फुल स्पीड इंटरनेट, फुल स्पीड कंप्यूटर्स, ये सब मेरे कंट्रोल में थे. तो मेरे पास फ्री टाइम काफी हुआ करता था, बिकॉज जब तक सर्वर्स डाउन नहीं होंगे तब तक मेरा आराम है. हाँ, जिस दिन सर्वर डाउन हुए उस दिन ऐसा होता था कि मैं दो दो तीन तीन दिन घर नहीं जा पाता था, बिकॉज सर्वर अप करना वॉज माई मेन प्रायोरिटी. तो ऐसा होता था कि मेरे पास लंबा फ्री टाइम रहता था. सुबह बस गए, लॉग इन किया, फिर बैठे रहे जब तक प्रॉब्लम नहीं आता. दुआ यही होती थी कि प्रॉब्लम ना आए. तो इसमें फ्री टाइम में मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता था, ऑफिस में बैठ के फ्री टाइम में मैं खेला करता था. तो ऐसे ही बस दिमाग में आया कि व्हाई नॉट स्टार्ट स्ट्रीमिंग, खेलना ऐसे भी है, खेलना वैसे भी है, व्यूज आए, वॉचिंग आई, सब्सक्राइबर आए तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा चल रहा है चलेगा. तो अक्टूबर 2019 में आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग CS:GO. 10 दिन का टाइम दिया मैंने CS:GO को. एंड टू बी ऑनेस्ट, PC गेम पे इतना कुछ खास वॉचिंग इंडिया में आता नहीं है, बिकॉज CS:GO खेलने के लिए यू नीड टू हैव एटलीस्ट 60-70,000 का PC, जो एवरेज इंडियन नहीं करता है. प्लस दूसरी चीज, कंप्यूटर लेके बैठो, उस पे गेम खेलो, ये नहीं हो पाता है. हाथ में मोबाइल है, दोस्तों के साथ, हाँ बहुत कुछ कर दो, कुछ भी बहुत, हाँ इंटरनेट का खर्चा है, बिजली का बिल है, बैठे हो खेल रहे हो, मम्मी देख रही है, साला गेम खेल रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है. मेरा मोबाइल जो अगर है, मोबाइल में मोबाइल डेटा तो है ही, आजकल तो सबके घर में वाईफाई भी है, तो मोबाइल गेम्स इंडिया में ज्यादा उस तरह से आगे बढ़ने लग गई. तो वो टाइम पे काउंटर COD नया नया आया हुआ था, जस्ट लॉन्च था, अक्टूबर 2019 का ही लॉन्च है शायद से COD का. वही टाइम पे मैंने फेसबुक पे स्टार्ट किया था. मेरे को मतलब एकदम आई हैव स्टार्टेड दिस एकदम कैजुअली, मतलब YouTube पे तो ऑलरेडी बहुत लोग सेटल्ड है, फेसबुक गेमिंग नया है, लेट मी स्टार्ट विद फेसबुक गेमिंग. तो फिर CS:GO खेल रहा था, उसमें कुछ खास वॉचिंग आई नहीं. एंड दैट टाइम आई केम टू नो अबाउट COD की नया नया गेम लॉन्च हुआ है, एंड काफी ज्यादा डाउनलोड्स वगैरह आए हुए हैं, तो लेट्स सी इसमें भी ट्राई कर लेते हैं. तो टाइम पे मोबाइल वगैरह तो ऐसा था नहीं, एंड मोबाइल गेम मैंने कभी लाइफ में खेला ही नहीं था. इवन कैंडी क्रश भी ऐसा कुछ नहीं खेला मैंने पूरा लाइफ. जो भी गेमिंग अगर बोलोगे तो मेरा गेमिंग सिर्फ और सिर्फ काउंटर स्ट्राइक था, इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है गेम में. थोड़ा बहुत COD के स्टोरी मोड्स खेला है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं. तो आई वाज लाइक चलो ठीक है ट्राई करते हैं. तो आई स्टार्टेड गेम प्लेइंग ऑन एमुलेटर एंड शुरू किया स्ट्रीमिंग. शुरू किया डे वन पे, फेसबुक पे मेरी वॉचिंग 80-90 चली गई. फिर लगा यार, हाँ फेसबुक बहुत नया था वो टाइम पे, फेसबुक गेमिंग. अच्छा, वो हर स्ट्रीमर को काफी अच्छा बूस्ट दे रहा था. ऑलराइट. तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलाया मेरे, 2019 की बात है. मैं अपना चल रहा हूँ फेसबुक पे आराम से, 3 महीने में 3-4 हज़ार फॉलोअर कर लिए. एंड फिर आई थॉट कि चलो अच्छी बात है, बढ़ रहा है. तो साथ में डुअल स्ट्रीमिंग भी चालू कर दी. लोगों ने बोला कि आप अच्छा खेलते हो, आप यूट्यूब पे भी आओ. बोला ठीक है चलो डुअल स्ट्रीमिंग कर लेते हैं. इंटरनेट की तो खर्चा था नहीं, लाइट बिल का मेरा खर्चा था नहीं, और सिस्टम अच्छे अच्छे ऑफिस में थे मेरे पास. बोला ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं. तो आई यूज्ड टू स्ट्रीम ट्वाइस अ डे फ्रॉम ऑफिस, दो दो घंटे के ब्रेक पे स्ट्रीम करता था. तो उसके बाद जनवरी में प्रॉपरली यूट्यूब पे आया मैं, डुअल स्ट्रीमिंग कर रहा था. जैन फेब मार्च प्रॉपर डुअल स्ट्रीमिंग की, पूरे 3 महीने में 100 सब्सक्राइबर जोड़े यूट्यूब पे. क्या बात, 3 महीने में 100. तीन महीने में 100 सब्सक्राइबर. BR कोई खेलता ही नहीं था ब्रो, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल BR वाज नथिंग. तो अगर कहीं हमको खेलते खेलते अचानक किल फीड में आ जाए कि रियल प्लेयर है, अभी रियल प्लेयर आ गया BR रॉबी में, रियल प्लेयर. जो खुशी होती थी भाई, रियल प्लेयर मारेंगे, अब बॉट नहीं मारेंगे, रियल प्लेयर मारेंगे. एंड फिर उसके बाद वही हुआ कि मार्च में एज एवरीवन नोज कोविड लॉकडाउन. बिल्कुल. वो टाइम पे कंपनी ने बोला अपना अपना सिस्टम उठाओ, अपने अपने घर चले जाओ, और हम 7 दिन में वापस आ जाएंगे, 7 दिन में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा. ये सोच के हम 21 मार्च, मुझे अभी भी याद है, 21 मार्च को हम अपने अपने सिस्टम उठा के घर गए थे, 7 दिन में वापस आना है सोच के. एंड वो 7 दिन आज तक खत्म नहीं हुए है, आज 2.5 साल लगभग हो गए, कोविड खत्म ही नहीं हुआ. वो टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी. एंड रिसेंटली मैंने 2019 में शादी भी की थी, तो पूरे करियर में जितना सेविंग वगैरह किया था शादी में पूरा उड़ा दिया था. और उसके बाद टाइम था फिर वापस जमा करने का, एंड लग गया लॉकडाउन. तो मैं ऑनेस्टली चीजें बता रहा हूँ बिकॉज पीपल शुड नो. कि आज लोगों को लगता है कि भाई तू कितना लकी है, तेरे को सुपर चैट आ रहे है, तू COD स्पॉन्सर्ड है, और बहुत सी चीजें बोलते हैं, बट दे डोंट नो कि पिछले 2-2.5 सालों में हुआ क्या है. एक्चुअली में क्या, तो मार्च में जब सामने वाली चीज सक्सेस दिखती है, वो पीछे की मेहनत नहीं देख पाते वो लोग.
क्योंकि वो लोग उन्होंने देखा नहीं था ना उसको बिल्कुल. हाँ, जो शुरू से जुड़े हुए हैं 8-10 लोग हैं जो शुरू से लेके आज तक जुड़े हुए हैं, दे नो माय स्ट्रगल, दे नो एवरीथिंग. मैं अभी इस बात पे भी आ रहा था कि आप अभी लाइक मुझे तो पता है, हमारी जो ऑडियंस है शायद उनको ना पता हो कि आप मैरिड हो. अभी क्या सीन है ना कि लाइक अब आप मैरिड भी हो, अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो एक फैमिली की तरफ से अब क्या एक प्रेशर रहता है या क्या उनकी तरफ से एक उनकी विचारधारा रहती है, आप थोड़ा सा बता सकते हो उसके बारे में? तो देखा जाए तो यूट्यूब स्टार्ट मैंने किया था तो मैरिड भी था और मैं सिबलिंग्स में सबसे बड़ा हूँ, तो पता है ना कि सबसे बड़े वाले की चलती है घर में. तो मेरा वो था एंड स्टार्टिंग से ही मैंने मैच्योरिटी दिखाई हुई थी, एक रिस्पॉन्सिबल बेटा मैंने बन के दिखाया था. तो एक्चुअली जब स्टार्ट किया तो मम्मी को इस हिसाब से नहीं बताया था. एक्चुअली हुआ ये था कि मार्च में लग गया लॉकडाउन, गेम में ऑफिस से खेलता हूँ ये कोई बताने की चीज नहीं थी, वो तो बस कैजुअली कर रहा था. तो मार्च में आई हैड टू डिसाइड, जब पीसी घर पे लाया, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था मेरे पास जी. तो मैं मोबाइल डेटा से स्ट्रीम करता था हॉटस्पॉट देके, जी ऑफिस का पोस्टपेड कनेक्शन था उससे मैं हॉटस्पॉट देके करता था. तो उस टाइम पे मेरे को डिसाइड करना पड़ा कि अब डुअल स्ट्रीमिंग तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इतना रिसोर्सेस तो है नहीं, तो आई थॉट कि यूट्यूब करते हैं. तो एक्चुअली फास्ट फॉरवर्ड, मम्मी पापा को मैंने तब तक, अच्छा कंपनी ने मार्च से सैलरी बंद कर दी थी. ओके अचानक से सैलरी बंद थी, जैसे हम घर आए एक महीने की सैलरी मिली, सेकेंड मंथ की हाफ मिली, जून से सैलरी बंद. अब जब ऑफिस खुलेगा तब आप आओगे फिर हम सैलरी का सोचेंगे. अच्छा. तो अब वो एक अलग प्रेशर था, रिसेंटली शादी हुई है, बैंक बैलेंस जीरो है एंड अब यूट्यूब में से तो कुछ आ ही नहीं रहा है. जैन फेब मार्च में हमने 100 सब्सक्राइबर जोड़े, मार्च से लेके अगस्त तक हमने और 700 किए, अगस्त में मेरा 1K हुआ जी. अगस्त 2020 से मेरा अर्निंग शुरू हुआ समथिंग फ्रॉम यूट्यूब, 8-10 हजार रुपए महीने का. तो उसके बाद 1.5 साल 2 साल बाद तक सैलरी नहीं थी, यूट्यूब पे सर्वाइव किया जैसे तैसे, और भी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बट इवन आफ्टर दैट दिन के 2 स्ट्रीम करता था एंड अपने आप को स्ट्रीम पे खुश दिखाना पड़ता था क्योंकि नोबडी वांट्स टू कम एंड वॉच यू क्राइंग कि मेरा ऐसा मेरा वैसा. जब भी मुझे लाइव जाना है 12 बजे, तो 12 के पहले मेरे लाइफ में क्या हो रहा था उससे फर्क नहीं पड़ता, 12 बजे मुझे हंस के इंट्रोड्यूस करना ही है, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, आज बहुत बढ़िया मजा आने वाला है चाहे मेरे बैकग्राउंड में जो भी हुआ हो. कि अगर वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को साइड में रख के जब वो लाइव आता है और अपने आप को खुश दिखाता है ना जी. वो आसान काम नहीं होता है. तो मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत लेट बताया था कि मैं गेम खेल रहा हूँ, ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ. इतना मेरे पापा इतना खास पढ़े लिखे नहीं है, वी आर फ्रॉम यूपी, तो इतना कुछ खास ये नहीं है. तो उनको मैंने जब बताया कि मैं गेम खेल रहा हूँ, अभी रिसेंटली बताया है. अच्छा, अभी तक नहीं पता था उनको? दो तीन महीने पहले बताया हुआ मैंने. अरे अरे, अब तो मैं अपना काम रिस्पॉन्सिबली कर रहा था, हर महीने घर पैसे भेज रहा हूँ जी, सब कुछ कर रहा हूँ, बट क्या कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, इतना ही था. जो कंपनी ने मुझे निकाल दिया है, आई वॉज लेट डाउन, ये सब कुछ भी नहीं बताया था. खामखा टेंशन लेंगे तो इसलिए फिर. अच्छा, अभी रिसेंटली बताया है, जब रिसेंटली आई बिकेम फादर तो आए थे, तो उनको तब मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया पूरा सेटअप दिखा के, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ, एंड बताया कि अब जो कंपनी दे रही थी उससे अच्छा कर रहा हूँ, तब जाके उनको सुकून मिला कि हाँ चलो बढ़िया बात है. तो 2 साल बाद पता चला. रिएक्शन कैसा था, मतलब जो उनको पता लगा कि चलो गेम खेल रहे हो लेकिन गेम खेल के पूरा घर चला रहे हो, तब उन्होंने क्या रिएक्शन? बस खुश हो गए और क्या. पहले तो डर गए, तूने बताया क्यों नहीं, तेरी जॉब 2 साल से, मतलब मैंने सब काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई है, कैसे निभाई है अब आओ बताता हूँ. पूरा घर में लाके मतलब अपना सेटअप लाके पूरा दिखाया कि मैंने, पहले तो बताया कि देखो इतना सारा तो मैंने सिर्फ कमा के सेटअप बनाया जी. एक रफली अगर एग्जाम्पल दू तो 8-10 लाख के बीच का सेटअप बन चुका है 2 सालों में जी. अच्छा, मुझे एक बात बता सकते हैं आप, आपको कैसा फील हुआ जब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से आप ऑफिशियली पार्टनर हो गए थे, तो आपका लाइक मन में खुशी, मेरे को तो लाइक अभी तक वो खुशी प्राप्त नहीं हुई है, होने वाली होगी, क्या पता भगवान करे हो जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन हो जाएगी.
आपको कैसे फील हुई थी जब आपको पता लगा था आप पार्टनर हुए हो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से एक्टिविजन से? मैं बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कि एक दो क्रिएटर्स को मिलने लग गया था एंड वो टाइम से मैं एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर चुका था कि अब अगर बीआर पे थोड़ा भी ध्यान इनका होगा तो बीआर में अगर स्टार्ट करना है इंडिया में, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग अबाउट बीआर यू हैव टू हैव केजीआई ऑन नंबर वन लिस्ट। अगर आप बीआर वालों के लिए कुछ कर रहे हो तो आपका पहला काम होना चाहिए केजीआई लिस्ट में, पहला नाम वो होना चाहिए। एंड जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा हुआ। दो तीन लोगों को उन्होंने स्पॉन्सर किया था, जैसा कि उन्होंने वीडियो वगैरह डाला था, टू नूप फॉर यू था आई गेस, एंड एक एमपी प्लेयर भी था, कॉम्पी प्लेयर जी, एंड एक और था, नाम याद नहीं आ रहा। तो इन लोगों का तो ऐसे ही दे दिया था स्पॉन्सर। उसके बाद जब प्रॉपरली क्रिएटर्स क्लब बनाया तो आई स्टिल हैव इट इन माय ईमेल। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या अब सबको मिलने वाला है या फिर ये क्रिएटर्स क्लब जो बना है इसका क्या है कैसा है, तो उसमें की एक लाइन मुझे अभी भी याद आती है कि एक्टिविजन की तरफ से जो मेल आया था उसमें उन्होंने कहा था कि साउथ एशिया से यू आर द फर्स्ट कोहर्ट वी आर ऑनबोर्डिंग राइट नाउ। तो साउथ एशिया रीजन से पहला कोलैबोरेटिव मोबाइल का क्या बोलते क्रिएटर्स क्लब का मेंबर वाज केजीआई। तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी हुई थी कि दो साल में एक बड़ी बात हो जाती है, प्राउड फील करने को हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइक जो ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज किया था ना, हां जी, दैट वाज वेरी समथिंग एल्स, कुछ अलग ही फीलिंग थी कि हां अब फाइनली अब मैं रिकॉग्नाइज हो चुका हूँ कंपनी की नजर में भी। यूट्यूब पे तो हो ही गया हो, एक लवली ऑडियंस मेरे पास पहले से है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो स्टेज पे आके कभी माइक में कभी बात तक नहीं किया था, और आज मैं 30,000 लोगों के सामने गेम खेलता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। बहुत अलग फीलिंग है ये, मैंने अपने आप को कभी ये करते हुए इमेजिन नहीं किया था। मैं भी काफी इंट्रोवर्ट रहा हूँ अपने स्कूल डेज के दिनों में। मैं थोड़ा स्टूडियस था, पढ़ाई करने वाला था, एमबीबीएस मैं पूरा करके आ रहा था, उसको आगे पढ़ रहा था डॉक्टरी के लिए। मैंने भी आज तक नहीं सोचा था कि भाई मैं ऐसे वीडियोस कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना बढ़िया प्रोडक्शन बना के बैठा हूँ, यहाँ पे आपके साथ बैठे कर बात कर रहा हूँ, होस्ट कर रहा हूँ शो को। लेकिन लाइफ ले जाती है कहीं ना कहीं, तो अब जहाँ ले जाती है। हाँ वही है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इंसान अपने आप को बदलता ही है, जो नहीं बदलता है वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी के साथ आपसे एक और बात जानना चाहूंगा, आपने इतना बड़ा अपने एम्पायर केजीआई का यूट्यूब चैनल पे खड़ा कर दिया है, इतनी बढ़िया आपके पास आपकी ऑडियंस है, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप उसको लेकर? बहुत लकी फील करता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव ऑडियंस है जी। प्रॉपर मतलब अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो रिसेंटली बीआर चैंपियनशिप हुई थी। मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैंने उसमें से एक भी बंदे को ये नहीं बोला था कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के ऑफिशियल चैनल पे जाके केजीआई लिखना। अच्छा, ये बिना बोले हुआ है। तो ये वो प्यार है कि बिना बोले हो गया। क्या जब जब एक्चुअली पहले तो नॉर्मली वो लोग चैट में देख रहे थे कौन सी टीम को क्या सपोर्ट मिल रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब उन्होंने एक्चुअली चार्ट्स को अपलोड किया अपने इंस्टा पे एंड डिस्कॉर्ड पे कि फैन फेवरेट टीम केजीआई है, आर यू सपोर्टिंग योर टीम इनफ, उस सवाल के बाद फिर उसके बाद लोगों के चैट्स में स्पैम आने लग गए अपनी अपनी टीम को लेके। जानने के बाद ये जानने के पहले से था तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है। रिसेंटली वही एक मेरे पास एग्जांपल देने के लिए। एंड अभी तो मैंने देखा कि आप अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रोज कस्टम भी करवाते हैं, बैटल पास भी देते रहते हैं, गिव अवे करते रहते हैं, बहुत कम्युनिटी के लिए, ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी आप मैंने जैसे आपने भी बताया टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो, उसके बारे में थोड़े अपने लाइक हमारे दर्शक जो अभी इस स्ट्रीम को देख रहे होंगे, पूरे पूरे शो को देख रहे होंगे, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो प्लीज अच्छा रहेगा। कस्टम्स तो देखो बस फन के लिए रहता है, चलता ही रहता है। बाकी मैं जैसा कि मैंने बताया कि अगर ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है तो यू हैव टू गिव समथिंग टू देम इन रिटर्न। तो उस ऑडियंस की बिहाफ पे वो जो 30,000 का मेरा जो मेरी जो ताकत है वो ताकत दिखा के मैं सामने कंपनीज के पास रखता हूँ कि ये देखो मेरी 30,000 की ताकत है, आप बदले में क्या दे सकते हो। तो इस तरह से एक दो स्पॉन्सर्स मिले,
तो अभी ये करंट स्पॉन्सर है जो मुझे रोज का 1000 रुपीज दे रहा है कि आप कस्टम्स कराओ, तो वी आर डूइंग कस्टम्स ऑफ दैट 1000, तो हम रोज का 1100-1200 रुपए का रोज की शाम की स्ट्रीम पे तो हमारा चलता ही रहता है। तो वहां पे मैं भी खेलता हूँ, पूरी ऑडियंस भी आके खेलती है, वहीं पे इंटरेक्शन एंगेजमेंट हो जाता है सबसे, बढ़िया सा हो जाता है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कभी कभी मेरी टीम अनअवेलेबल है, किसी सब्सक्राइबर को सब्सक्राइबर के साथ खेल लिया, तो वहाँ बातें हो जाती हैं, बहुत सी चीजें होती रहती है। तो काफी लाइक काफी बढ़िया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक आती है कि आप अपनी कम्युनिटी में सबसे लाइक अव्वल दर्जे में बैठे हो, सबसे ऊपर बैठे हो अपनी पूरी बीआर कम्युनिटी में। अभी आप अगर कोई ऐसा क्रिएटर आते हैं जो बीआर कम्युनिटी में एंटर करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको क्या टिप्स रही, क्या आप बताना चाहेंगे उसको? देखो, प्लेटफॉर्म तो केजीआई ने बना दिया है। केजीआई को बीआर खेलते हुए 1000 सब्सक्राइबर्स करने में पूरे 6 महीने लगे, जनवरी से लेके अगस्त तक। अगर आज कोई बीआर स्टार्ट करता है तो मैक्स टू मैक्स 2 महीने में 1K उसके हो जाते हैं, तो प्लेटफॉर्म तो सेट है जी। बस आपको ये करना है कि ये तो हर यूट्यूबर के लिए होगा कि आप कंसिस्टेंट रहो, ऑडियंस के साथ अपना कनेक्शन बनाओ। बस ऐसा नहीं कि आया खेला चले गए। जी, मैं स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ तो 5 मिनट बात करता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, मैं स्ट्रीम एंड करने के पहले 5-10 मिनट बात करता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। तो वो तुम्हारी ऑडियंस कब बनेगी, जब तुमसे कनेक्ट करेगी। वो गेम की ऑडियंस रहेगी अगर तुम कनेक्ट नहीं करोगे। बिल्कुल, अगर तुम्हारा उनके साथ कनेक्शन नहीं है तो वो गेम देखेंगे चले जाएंगे। अच्छा, मेरे सूत्रों के अनुसार ना मेरे को थोड़ी सी बातें और चटपटी बातें पता लगी थी कि जब आपने एंट्री करी थी इस पूरे पूरे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के सीन के अंदर, तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई थी, और अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले भी कुछ कंट्रोवर्सी, हालांकि वो मुझे नहीं पता कि वो सच है या क्या है क्या नहीं है, बट हाँ कभी कभार ये हो जाता है कि लाइक केजीआई वर्सेस एक्स बंदे का नाम, वाई बंदे का नाम, या कभी भी किसी के साथ जोड़ना, तो आप उसको कैसे लेके चलते हो? डिपेंड करता है सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है जी। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जान बुझ के केजीआई को टारगेट करो ताकि वो अपनी स्ट्रीम पे जवाब दे। फॉर एग्जांपल, एक्स वाई जेड कोई स्ट्रीमर है जी, उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हाँ जी ठीक है, केजीआई के बारे में कुछ बोल दिया, अब वो क्या उसकी ऑडियंस क्या करेगी? या फिर कुछ होती ना कॉमन ऑडियंस होती है, हाँ जी, यहाँ जी, की भी होती है, वहां की, दोनों को देखने वाली, वो बोली कि भाई तेरे बारे में ऐसा बोल दिया। अब वहां पे अगर मैं, मेरा काम है कि मैं पहले वेरीफाई करूं सच में बोला है क्या, हाँ जी। तो मोस्टली पीपल क्या, व्हाट पीपल डू इज कि रैंडमली कुछ बोल दो, इन रिटर्न वो जवाब दे देगा, जवाब देते देते मेरा नाम भी लेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक्सपोजर मिल जाएगा। और उस मामले में मैं बहुत वैसा हूं, मैं नाम लेता ही नहीं हूं। अगर मुझे किसी को जवाब देना भी हो ना, मैं इतना इनडायरेक्टली बोलता हूं कि मेरा काम भी हो जाता है और जिसको लगनी होती है उसको लग जाती है जाके। तो मेरा मेरा कर, मेरा तरीका ऐसा ही है। हाँ, कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, कुछ कुछ लोग होते हैं, किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, कि वो लोग को मजा आता है दो लोग की लड़ाई कराने में, वो जो वर्सेस कराते हैं ना जबरदस्ती का, यहाँ का लाके यहाँ बोल दो, वहां का लाके यहाँ बोल दो, दोनों की लड़ाई बैठ के देखो पॉपकॉर्न खाते खाते। तो वहां पे आई बिलीव सभी को एक बार वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, गेम देखो, गेम खेलते खेलते मुंह से बहुत कुछ निकलता है, बहुत कुछ निकलता है, अब गेम ही ऐसा है, वो रेज मोमेंट हो जाते हैं कुछ ना कुछ, हाँ वो हो जाता है, तो उसमें निकल जाता है मुंह से जी। अभी गेम खेलते खेलते रेज मोमेंट है, किसी का चैट पड़ा, अरे भाई तेरे बारे में ऐसा बोला है, तो इंस्टेंटली कहीं ना कहीं मुंह से निकल जाता है ऐसा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस चीजों को थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल करना चाहिए सभी लोगों को। ऑलराइट। लेकिन इसी के साथ ना मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल अभी आपको क्या लगता है बीआर के लिए कितना कुछ कारगर साबित हो रहा है? एंड एक एडिशन रखूंगा इस क्वेश्चन में, मेरा एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाला है आपसे कि अभी हमें रिसेंटली कुछ एक न्यूज पता लगी है, हमें नहीं सबको, पूरी दुनिया को पता लग गई है कि एक्टिविजन ब्लिजर्ड जो है वो अब खरीद लिया गया है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन एंड अपना जो ब्लिजर्ड है कंपनी है उसको खरीद लिया है, समथिंग अराउंड ऑलमोस्ट $17 billion की डील। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, आपका क्या मानना है कि क्या अब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बीआर पे इस चीज का कुछ अलग इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आई थिंक ये डील जो हुई है अभी, इसमें पूरा डील कंप्लीट होने में शायद से 1-8 साल लगने वाला है।
जहां तक मुझे पता है माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में एक्टिविजन आने में अभी 1 साल पूरा बचा हुआ है। हाँ जी जी तो उसके बाद अब माइक्रोसॉफ्ट बीइंग अ जायंट कंपनी, अगर वो इतना पैसा लगा रही है तो वो ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट पे ध्यान देगी, मुझे ऐसा लगता है। जी। और इंडियन मार्केट इज ऑल अबाउट बीआर। बिल्कुल, इंडियन मार्केट में हर किसी को बीआर गेम्स पसंद है। अगर मोबाइल पे खेल रहा है तो उसको मोबाइल पे बीआर टीपीपी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एमपी को ग्रो करना होता तो आज तक कर चुका होता। आई नो सीओडी मोबाइल का एमपी के साथ किसी भी गेम का एमपी कंपैरिजन है ही नहीं। नहीं है बिल्कुल। मोबाइल पे बेस्ट मल्टीप्लेयर इन द वर्ल्ड इज सीओडी मोबाइल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बिल्कुल, बट ये मार्केट अलग है, यहाँ पे चाहिए बीआर। तो बीआर पे फोकस करने की जरूरत है, एंड आई बिलीव माइक्रोसॉफ्ट को इतना पता होगा इंडियन मार्केट में कैसे फैलना है, दे नो वेरी वेल। जी हाँ, मतलब इंडिया से बड़ा गेमिंग इंडस्ट्री जो पूरा मार्केट है, आई डोंट थिंक सो कहीं और किसी कंपनी को मिल सकता है, बिकॉज मेरी नजर में इंडिया बेस्ट है गेमिंग सेक्टर में। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके अभी आगे फ्यूचर को लेकर क्या प्लान रहने वाले? फिलहाल तो मैं इस गेम को स्टिक करके रहने वाला हूँ, और जो भी आगे जो भी प्लान्स है, सुनने में आता है कि सीओडीएम 2 आने वाला है, बहुत ज्यादा इसके न्यूज़ेस है, तो अगर ये लोग सीरियस है सीओडीएम 2 में बीआर को लेके तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आगे चल के भी। जी, और बाकी तो एज यूजुअल जैसा अपना चल रहा है चलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या ये जो रूमर है या न्यूज है या लीक है सीओडीएम 2 का, ऑलरेडी मोबाइल 2 का, ये सच है या नहीं? अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिएटर जो है सीओडी का, वो खुद इस पे वीडियो बना चुका है, तो आई डोंट थिंक इस पे अब डाउट करना चाहिए अपने को। ऑलराइट, बिकॉज़ वो बना रहा है तो ही ऑफ कोर्स नो समथिंग अबाउट इट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कुछ एक्साइटमेंट है जो आने वाला है, राइट, और उसके लिए केजीआर रेडी है, ये हम मान सकते हैं। ऑफ कोर्स रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल, बीआर है तो ऑफ कोर्स वी आर रेडी। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, मेरा हमेशा फुल सपोर्ट रहता है बीआर के लिए, बैटल रॉयल के लिए। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। तो हमें अभी देख सकते हैं, लाइक ये एंटीसिपेट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की बीआर लाइनअप जो है कुछ टीम केजीआर की दिखने वाली है, ऐसा कुछ? वी ऑलरेडी हैव अ लाइनअप राइट नाउ। अच्छा, ई-स्पोर्ट्स लाइनअप जो? हां, ई-स्पोर्ट्स लाइनअप बन चुके हैं, हम तैयार ऑलमोस्ट हो गए हैं। बीआर चैंपियनशिप में विदाउट एनी प्रैक्टिस हम नंबर 5 पे आए। ऑलराइट, अच्छा। मेरी टीम ऐसी है कि मैं शादीशुदा हूं, बच्चे वाला हूं, बीवी बच्चे वाला हूं, मेरा एक और टीममेट है बिजनेस वाला है, वो एक और टीममेट है होटल लाइन में है जी। एक और टीममेट है वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये सब ऐसे लोग हैं जो फन के लिए खेल रहे हैं, कैजुअली खेल रहे हैं, एंड कैजुअली खेलते हुए अगर हम सीओडीएम इंडिया बीआर चैंपियनशिप में नंबर 5 पे आ सकते हैं जी, तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आई थिंक हम और बेटर कर पाएंगे। तो लाइनअप अनाउंसमेंट आई थिंक आपके इस इंटरव्यू के अपलोड होने के पहले ही अनाउंसमेंट हो गया होगा, बिकॉज द पोस्टर्स आर ऑलमोस्ट रेडी, आज ही पूरे पोस्टर्स बन के आए हुए हैं। क्या बात है, बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो हाँ, वी आर रेडी विद 5 मेन। हाँ, अब थोड़ा सा लाइक उनके बारे में जो भी आपके मेंबर्स हैं, बिकॉज आई एम डैम श्योर अगर आपने बोल दिया कि पोस्टर वगैरह सब रेडी है तो इस पूरे पॉडकास्ट के जब ये रिलीज हो रहा होगा उससे पहले अनाउंसमेंट हो गई होगी, तो आप थोड़ा सा अपने टीममेट के बारे में बता दे तो काफी बढ़िया रहेगा। टीममेट एक डगर है, लेमन चूस उसका। हाँ, एक्चुअली क्या था ना, लेमन चूस की स्टोरी ऐसी थी कि बीआर में स्ट्रीम स्नाइपिंग बहुत ज्यादा हो रही थी हम लोग के ऊपर। हमारा ड्रॉप लोकेशन फिक्स है, हम फार्म ही जाते हैं। फार्म लैंड करने के बाद अगर किल फील्ड में दिख गया कि इस गेम में केजीआर है, तो जिस जो जहां है चॉपर लेके आता है, हम पे टूट जाता है, हमको मारता है, हमको गुस्सा दिलाता है, कभी खुद भी मर जाता है, कभी मार देता है। तो हम लोग को बहुत गुस्सा आया, बोला करें क्या करें क्या करें क्या, तो हमने कुछ भी नाम रखना चालू कर दिया। तो मैंने कुछ दाढ़ी वाले बाबा कर लिया था, डगर ने लेमन चूज कर लिया था, एक और टीममेट है अन्ना, उसने अपना नाम इडली डोसा कर लिया था। तो ऐसी सब था कि लोग ना पहचाने। और स्ट्रीमर मोड ले आ गए, लेके आ गए, उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ हाँ, वो काफी एकदम सही एक डिसीजन लिया गया था कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से। बाकी मैं क्या एक छोटा सा मेरा एक फनी सा क्वेश्चन रहेगा कि ये आपके थंबनेल्स में मुझे कुछ अतरंगी चीजें दिखाई देती है, बहुत अतरंगी अतरंगी से सेंटेंसेस लिखे होते हैं। मैं अभी भी रिमेम्बर कर रहा हूँ यार वो बात को कि गोली मेरी मौत तेरी करके कुछ ऐसा था और बहुत अलग अलग, उसके पीछे का क्या कारण रहता है? ये सब मेरी ऑडियंस का कमाल है, ये लोग ना
ऐसे राइमिंग लाइंस बनाते हैं, स्पैम करते हैं, भैया अगला थंबनेल यही होना चाहिए, और मेरे मॉड जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके डिजाइनर को भेज देते हैं, डिजाइनर बना के दे देता है। तो जितने भी उल्टी सीधी लाइंस आप लोग को दिख रही है थंबनेल्स में, ये सब मेरी जनता के ये का अभी परसों कभी मैंने देखा था, दाढ़ी वाला आया भागू कुछ करके था, कुछ ऐसे अलग अलग, मतलब वो ये सब यही करते हैं। नहीं मैं बोलना चाहूंगा काफी बढ़िया है वो, काफी यूनिक चीज लगती है, काफी सही लगता है। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना जरूर चाहेंगे हम इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पूरे के पूरे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल अभी जितने भी आपको जनता देख रही है, क्या उन लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे इस पूरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से? सभी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल प्लेयर्स के लिए, जी हाँ, जो अपने बीआर खेलते हैं, जो कैजुअल प्लेयर्स है, जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे, क्या एक स्टेटमेंट देना चाहोगे? बस करते रहो ग्राइंड एंड आई गेस मिलजुल के आगे बढ़ना है और क्या। लेकिन तो अब मैं उनकी तरफ से बोलूंगा, अगर आपने ये बात, अगर मान लीजिए मैं हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का बीआर प्लेयर, ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने अभी तक बीआर के लिए स्पेसिफिकली कुछ बड़ा टूर्नामेंट इंडिया स्पेसिफिकली या हमारे रीजन के स्पेसिफिकली अभी नहीं निकाला है, तो क्या फ्यूचर है इस पूरे कॉल ऑफ ड्यूटी बीआर का, थोड़ा सा आप बताएं, बिकॉज आपसे लाइक बड़ा जो है कोई यहाँ पे स्ट्रीमर है नहीं, जो कंटेंट क्रिएटर है नहीं, जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बीआर पे वीडियोस बना रहे हो या स्ट्रीम कर रहे हो हमारे इंडिया के अंदर। देखो ऐसा है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अब तक तो प्रॉपर बीआर टूर्नामेंट्स हो नहीं रहते, बट जैसे कि लास्ट टाइम बीआर चैंपियनशिप हुआ जी, तो एक वो उनकी तरफ से मुझे एक प्रॉमिस आया हुआ है कि दे आर ट्राइंग कि हर दो महीने में एक बीआर का तो उन्होंने करना ही है। All right. ये उन्होंने मुझसे प्रॉमिस करके रखा है। थोड़ी बहुत बातें भी हुई, थोड़े डिस्कशन भी हुए थे, प्लानिंग भी हुई थी कैसे करना है, क्या करना है जी। और दूसरी चीज, वी डू हैव कम्युनिटी टूर्नामेंट्स बहुत सारे छोटे मोटे यहाँ वहाँ होते रहते हैं। अगर आप पूरा एक साथ मिलाओगे ना, महीने के 4-5 लाख के टूर्नामेंट आराम से हो रहे हैं, पर छोटे छोटे टुकड़ों में। हाँ, जैसे कि अभी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का ऑफिशियल सर्वर पे जाओगे तो वहाँ पे एक दो सेक्शन है, कम्युनिटी टूर्नामेंट्स एंड सोलो डुओ टूर्नामेंट्स। Alright. तो वहां पे नॉनस्टॉप प्रमोशन चलता रहता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे एंड टाइमिंग के हिसाब से, ऑफिशियली नहीं आ रहा है, आई नो ऑफिशियली नहीं आ रहा है, आना चाहिए, मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अगर घूमते फिरते एक्टिविजन के बड़े बड़े लोग अगर ये वीडियो देख ले तो प्लीज बीआर के लिए कुछ करो, बीआर में आपको बहुत फायदा है, बाकी प्लेयर्स का तो फायदा है ही, एंड बीआर में आपको ज्यादा फायदा है बिकॉज यहाँ पे बीआर की ऑडियंस है। एक गेम है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा जी, दे लिटरली हैड 2.5 लाख की वॉचिंग, 2.5 लाख लोग ऑफिशियल चैनल पे वो उसको देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? बिकॉज इंडियन ऑडियंस लव्स बीआर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा 25,000 की तो आए वॉचिंग ऑफिशियल चैनल पे, बिल्कुल, एंड आएगी, आप लोग ध्यान दोगे तो आएगी। मैं नहीं कह रहा कि करोड़ों के टूर्नामेंट लाओ, कंसिस्टेंसी लाओ जी, कि हर महीने, हर क्वार्टरली, हाँ क्वार्टरली 5-5 लाख का टूर्नामेंट भी चलेगा जी। और आपको ROI उसमें से मिलेगा। आप बहुत बड़ी कंपनी हो, आई नो आप लोग के पास और बड़े बड़े दिमाग होंगे, हम तो कुछ नहीं है। और रही बात ऑडियंस की, तो करियर बनने जैसा तो नहीं है बीआर फिलहाल, बीआर ई स्पोर्ट्स करियर बनने जैसा तो नहीं है, बट अगर आप कैजुअली खेलते हुए ई स्पोर्ट्स को, अपने आप को ई स्पोर्ट्स के लिए तैयार रखना चाहते हो जी, तो कम्युनिटी टूर्नामेंट्स बहुत सारे हैं खेलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 40,000 तो महीने का मैं बांट रहा हूँ मेरे साइड से, महीने का 40,000 मेरे साइड से बट रहा है। एवरीडे अगर आप देखोगे 1200 रुपए के टूर्नामेंट्स है, एवरीडे 1200 उनका हिसाब लगा लो, और एवरी संडे 2500 रुपए बटते हैं अलग से, टोटल तो लगभग 35,000 से 40,000 के आसपास जाता है। एंड या ऑफकोर्स वी आर स्पॉन्सर्ड बाई अ कंपनी, इसका नाम आई डोंट नो यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसी के साथ चलिए आपसे अगला सवाल मेरा लाना चाहूँ, मैं यही लाना चाहूंगी, ठीक है आप गेमिंग में आए, काफी पहले से आप गेमिंग में, बहुत बढ़िया बात रहती है कि यार गेमिंग इंडस्ट्री में इतने नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, और काफी ज्यादा बढ़िया लगता है कि अब मैरिड हो गए हो आप, तब भी आपने गेमिंग का पैशन अपना छोड़ा नहीं है, ये देख के तो काफी खुशी होती है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आप किससे इंस्पायर होते हो, तो वो आप कोई अपने टॉप 3 जो ऐसे क्रिएटर्स हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग करते हो या कॉन्टेंट क्रिएट करते हो, वीडियो डालते हो, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, वो किसी भी सेगमेंट के हो सकते हैं, वो चाहे गेमिंग के हो या व्लॉग बनाते हो, कोई भी सेगमेंट के हो, बस वो क्रिएटर या स्ट्रीमर आपके जो, जिस पर आप इंस्पिरेशन लेते हो, आप मुझे प्लीज बताइए। ओके, टॉप 3 क्रिएटर्स जी, जिन जो मुझे इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गेमिंग सेक्शन से सबसे पहले मैं डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट बोलूंगा। ऑलराइट,
दैट गाय इज अमेजिंग, उसके पास स्किल्स है, उसके पास एंटरटेनमेंट है, वो बंदा ब्लैक स्क्रीन भी करेगा ना तो भी मैं उसको देखूंगा, इस तरह का एंटरटेनमेंट लेवल है उसका. एंड गेम प्ले तो बढ़िया है ही. सेकेंड आई वुड से ही इज फ्रॉम व्लॉगिंग सेक्शन, निखिल, मुंबई का निखिल को मैं देख के बहुत कुछ बहुत देखा है मैंने मुंबई का निखिल को. ही इज ऑन आई गेस 4 मिलियन आजकल, 3-4 मिलियन के आसपास है. आई हैव बीन वॉचिंग हिम फ्रॉम 20-30 के. अब तो उनकी भी शादी हो गई मेरे ख्याल. शादी हो गई, बच्ची हो गई है, पूरा फॉलो करता हूँ प्रॉपरली. एंड थर्ड बेस्ट विल बी मॉडल. मॉडल का कामनेस मुझे पसंद है. उस लेवल पे जाके भी कहीं अकड़ नहीं है, कहीं घमंड नहीं है. कोशिश करता हूँ कि वैसा बनूं, लेकिन हर कोई अलग अलग होता है, कहीं ना कहीं गुस्से में निकल ही आता है मुझसे. बट वो बंदा कैसे कर लेता है आई डोंट नो. ऐसा नहीं कि उनके हेटर्स नहीं है, बहुत है. बीआर चैंपियनशिप जो हुआ था, वर्ल्ड बीआर इन्विटेशनल, उसमें मैंने उनके हेटर्स बहुत देखे, लेकिन पता नहीं हाउ डज ही मैनेज, बट या इज माइंड ब्लोइंग. I mean, वो जैसे अपने सपोर्टर्स की जो दुआएं मिलती है उनको ज्यादा देखते हैं. और मेरे को भी मैं पर्सनली बताना चाहूंगा. नहीं यार, लेकिन मेजर एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, मेरा भी है, मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है. जी, जी, जी. कि अगर 10 अच्छे कमेंट है ना, आप पढ़ के मुस्कुरा दोगे, इग्नोर कर दोगे, पढ़ोगे नहीं, मतलब पढ़ लोगे मन में, मुस्कुरा के हटा दोगे. पर जब अगर कोई एक नेगेटिव होता है ना, उसको पढ़ के आपको गुस्सा आता है एंड यू फील लाइक गिविंग हिम बैक समथिंग. वो एक पता नहीं है कि नेगेटिव दिखता है, उठ के दिखता है जी, मन करता है इसको जवाब दूं. अच्छा, अगर हम बात करें आपकी ई-स्पोर्ट्स लाइनअप की, अब मैंने आपके तो ई-स्पोर्ट्स लाइनअप के बारे में जान लिया था अजम भाई, ठीक है, लेकिन मैं अगर जानना चाहूं बीते कुछ दिनों में जो टूर्नामेंट्स हुए थे या कम्युनिटी के कुछ प्लेयर्स, ऐसे कौन से टॉप 3 कॉर्डन के बीआर प्लेयर्स रहने वाले हैं जो आपके ऑल टाइम फेवरेट है? और मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी स्क्वाड से किसी का नाम मत लीजिएगा प्लीज. ओके, 3 बीआर के कॉर्डन प्लेयर्स, राइट? जी, कॉम्पिटिटिव प्लेयर हो या जिनका आप कैजुअल प्लेयर भी हो लेकिन वो बहुत अच्छा खेलते हो. अच्छा खेलने वालों में ऑफ कोर्स आई वुड नेवर मिस इंसैनिटी. जी हाँ, पर्सनल फेवरेट मेरे भी. एक बढ़िया प्लेयर है, प्रॉपर कमांड है उसका इस गेम के ऊपर. जी, कभी पैनिक नहीं होता है, सामने 3 होंगे अपनी तो फट जाती है और वो जो है टैकल कर लेता है. एंड दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस ब्रिंग्स, राइट? इतने सारे टूर्नामेंट्स, इतना ज्यादा ई-स्पोर्ट्स खेलने के बाद कहीं ना कहीं वो डर खत्म सा हो जाता है कि हाँ, मेरे को पता है मैं इस सिचुएशन में ये करूंगा, वो नहीं होगा तो वो करूंगा. दूसरा बेस्ट प्लेयर, मैं टीम का नाम ले सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉपर बेस्ट प्लेयर तो इसके बाद मैंने कोई देखा नहीं है. अगर मैं अपनी टीम का नाम नहीं ले सकता तो आई गेस एक अच्छा खेलने वाली टीम आजकल XBR की है. Okay, doing good these days. काफी अच्छा खेल रहे हैं. एंड थर्ड बेस्ट टीम, आई डोंट थिंक सो, फिलहाल कोई है जिसका मैं कर पाऊंगा. राइट. अच्छा, कॉर्डन कम्युनिटी में आप कौन से क्रिएटर से सबसे ज्यादा करीब हो, लाइक जो आपका गो टू फ्रेंड है? अगर आपको रात के 2 बजे भी कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी परेशानी है, तो ऐसा कोई आपका फ्रेंड है कॉर्डन कम्युनिटी से जिसका फोन लगा के बोल सकते हो यार ये दिक्कत है, थोड़ा सा देख लो इसको? ऐसे तो सारे ही बीआर स्ट्रीमर्स के साथ मैं टच में रहता हूँ हमेशा, फ्री टाइम में उनके स्ट्रीम्स पे जाता हूँ. एंड अगर पर्सनल फेवरेट बोला जाए जिसके साथ मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो वो ऑरा ट्रूपर्स नाम का स्ट्रीमर है. काफी बढ़िया बनता है, काफी मेहनत भी कर रहा है. बाकी इसके अलावा मैं कभी कभी बैटमैन की स्ट्रीम पे रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा गांव वाला सा पड़ जाता है. मैं लखनऊ से हूँ, वो अरे मेरे गांव का भाई, तू तो सपोर्ट कर. वो एक क्या बोलते हैं ना, फैमिलियरिटी हो जाती है कि हाँ, बातें बातें भी एक जैसी होती है तो अच्छा लगता है कि एकदम फैमिलियर माहौल सा बन जाता है. बिल्कुल. और भी बहुत से लोग बिहार में, काफी लोग आजकल मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है लोगों की. 4-5 स्ट्रीमर है जो आजकल कर रहे मेहनत प्रॉपर. बिल्कुल. लाइक बीआर में कम्युनिटी ने काफी सपोर्ट दिखाया इस गेम में. जो बैटल रॉयल जो सेक्शन है, जो मोड है, उसको कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी ही चला रही है अभी तक, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ. एक्चुअली बहुत बेहतरीन तरीके से. और खैर, इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे जो है ना आपसे बात करके बहुत ज्यादा मजा आता है, बिकॉज मुझे कभी कभार ये लगता है ना अपने बड़े भाई से बात करूं, राइट? बिकॉज एक तो मेच्योरिटी लेवल काफी ऊपर हो जाता है, ठीक है, और बाकी मुझे आपसे काफी ज्यादा जो चीज है ना वो सीखने को भी मिलती है. इसी को लेकर मैं अगर आपको आपसे एक आखिरी सवाल या सेकंड लास्ट सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ, आपको क्या लाइक जो टॉप 3 चीजें रहेगी अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन रहे हो, तो
टॉप थ्री चीज आप क्या बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को या हमारे व्यूअर्स को? एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर टॉप थ्री चीजें, अपना तो रोज का प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, उसमें आप कहीं भी पीछे नहीं हट सकते. यू नीड टू हैव प्रैक्टिस, चाहे जो काम कर रहे हो, अगर कोई भी गेम खेल रहे हो, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए. दूसरी चीज, ई-स्पोर्ट प्लेयर, आई डोंट थिंक कोई ई-स्पोर्ट प्लेयर होता है, ई-स्पोर्ट की टीम होती है. जी. कोई अकेला बंदा कोई टूर्नामेंट लेके नहीं आ सकता, तो यू नीड टू हैव अ गुड टीम, एंड उस टीम के साथ में आपका कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, सिनर्जी अच्छी होनी चाहिए. गेमिंग वर्ल्ड में उसको सिनर्जी बोलते हैं. तो तीसरी चीज बस वही है, कंसिस्टेंसी रखो अपने में, और क्या. ऑलराइट. अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा अपना पर्सनल जो मैंने सवाल पूछना ही पूछना था आपसे, लाइक मैं चाहता हूँ मुझे इसका जवाब मिले. मुझे, मैं पॉडकास्ट के लिए पूछ रहा, मैं अपने लिए पूछने वाला हूँ ये सवाल. यार हिम्मत चाहिए जो आप कर रहे हो ना, लाइक जॉब से हटके, देन मैरिड होने के बावजूद भी आपने गेमिंग कंटिन्यू रखा. उस टाइम पे आपके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे यूट्यूब पे, फिर भी माइंडसेट था आपके पास कि नहीं मैं सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा, मेरे को आगे सक्सेस मिलनी मिलनी है. वो कहाँ से आया? आई मीन कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई डर नहीं था आपके अंदर? क्योंकि मैं अभी 23 साल का होने वाला हूँ ये मई के महीने में, और मैं अभी से सोचता हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा. लेकिन आपको जब मैं देखता हूँ यार, मेरे से कितनी बड़ी उम्र के, क्या क्या लाइक सोचा होगा, क्या मन में चल रहा होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दो ना, तो मेरी काफी हेल्प हो जाएगी. अब डिसाइड कर लिया था. अब कुछ होता है ना, एक सिचुएशन भी होती है चीज, कि इस सिचुएशन में अब क्या करना है, मेरे पास क्या ऑप्शंस है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ. एक माइंडसेट पहले से बना हुआ था. जो पहला जॉब था मेरा, उसको मैंने 8 साल तक नहीं छोड़ा. जी, मेरी पहली जॉब जो थी 8 साल तक चलाई मैंने, एंड यही सोच के नहीं छोड़ता था कि आपका इसके बाद जॉब नहीं करना है, कुछ खुद का होना चाहिए. वो शुरू से एक माइंडसेट बना हुआ था. एंड जब सिचुएशन ऐसी, हाँ, जब एक सिचुएशन बनी कोविड वाली, लॉकडाउन वाली, तो वो टाइम पे मैंने कुछ हिसाब लगाया कि पहले देखता है बैंक बैलेंस कितना है, अपना महीने का खर्चा कितना है. जी. महीने के खर्च को बैंक बैलेंस से डिवाइड किया और देखा कि मैं कितने महीने सरवाइव कर सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब से इनकम तो जीरो था ना. तो बैंक बैलेंस को देख के उसको डिवाइड किया कि कितने महीने रह सकता हूँ, तो एक अंदाज लग गया कि मैं अगले 1.5 साल विदाउट एनी इनकम सरवाइव कर जाऊंगा. तो इस 1.5 साल को मैंने यूट्यूब में ऐसा देना है कि एकदम कुछ हो जाए, या तो पार हो जाऊं, या तो फिर उसके बाद फिर कुछ तो जॉब ढूंढने निकलना पड़ेगा. तो अब जो मेहनत बोलते हैं ना, कि मेहनत जो करता है, तो यार क्या एल्गोरिथम क्रैक करा आपने, क्या करा, थोड़ा सा वो थोड़ा बता सकता आपने? क्योंकि सब करना चाहते हैं ये चीजें, ठीक है, और सब निकलते हैं, चलो मैं YouTube चैनल खोल दूंगा, सबको लगता है बहुत पैसा है, ये सुपर चैट आ रही है, वो आ रही है, लेकिन इसके पीछे जैसे उन्होंने पीछे अभी बात भी करी थी, स्ट्रगल कोई नहीं दिख पाता है. तो एक मेंटेलिटी क्या रही थी आपकी, कैसे करा था आपने वो सब? जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक मैंने हिसाब लगा लिया था कि अगले 1.5 साल तक अगर विदाउट एनी इनकम मैं सर्वाइव कर जाऊंगा. तो अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया. Crazy, कि 1.5 साल तो मेरे पास है ना. 1.5 साल तो है, 1.5 साल में से अगर 1 साल मैं मेहनत कर लूं एंड कुछ तो चालू हो जाए, तो ऊपर का जो 6 महीना है मेरे पास बफर है. ऊपर के 6 महीने का पैसा मेरे पास बफर है, वो सेविंग में रहेगा और यूट्यूब से मैं अपना आगे बढ़ने लग जाऊंगा. सीओडी मोबाइल इतना ज्यादा फेमस है नहीं. जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह का कंटेंट मैं दिखाता हूँ, जितना मैं टाइम देता हूँ ना, अगर मैं कोई और गेम खेल रहा था, मोर पॉपुलर गेम खेल रहा होता, तो आज मैं एटलीस्ट 1 मिलियन पे तो होता ही, जिस तरह का मेरा कंटेंट है. बट स्टिल जैसा कि वही है कि कंटिन्यू रखा अपने को. मेरा हमेशा ना टारगेट होता था जी. जैसे कि अभी मैं नया नया जब आया था इसमें बीआर स्ट्रीमिंग में, तो वो टाइम पे और भी बहुत सारे स्ट्रीमर्स थे. 3-4 स्ट्रीमर्स ऐसे भी थे जो आज पूरा पूरा चैनल डेड करके जा चुके हैं. दो तीन को तो आप खुद समझ रहे हो, आपकी समझ से समझ में आ रहा है. तो मैं क्या करता था, जैसे कि अभी मैं 100 सब्सक्राइबर पे हूँ, तो आगे देखता हूँ 300-400 वाला कौन है, वो गलतियां क्या कर रहा है, उसकी गलतियां मैंने नहीं दोहरानी है, उससे बेटर होने के लिए मैंने क्या करना है, जी. उस पे काम करना है. जैसे ही उसको मैंने बीट कर दिया, अब ये 500 वाला बीट कर दिया है मैंने, इसके आगे 1000 वाला पकड़ा,
1000 सब्सक्राइबर वाले क्या करता है उसकी अच्छाइयां नोट कर लो, बुराइयां भी नोट कर लो कि वो अच्छा कर रहा है तो उसको फायदा हो रहा है, ये जो गलत कर रहा है इससे इसको नुकसान है, तो वो गलत मैं नहीं करूंगा। अब उसको पकड़ा, वो मेरा नया टारगेट है, उसको मैं हराऊंगा, उसको जैसे हरा दिया फिर अगला पकड़ता था। इस तरह मैं करते 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 ऑलमोस्ट 7-8 स्ट्रीमर्स को, उनको पता भी नहीं है मैं उनके साथ कंपीट कर रहा हूँ, बट मैंने अपने आप के लिए टारगेट सेट किया हुआ था कि अब इसको हरा दिया है तो अब इसको पकड़ता हूँ, अब इसको हराना है मेरे को। तो उस तरह से करते करते, एंड इसमें बहुत सारा सपोर्ट रहा है ऑडियंस का, मेरे फैमिली मेंबर्स का। आज भी मुझे बोलोगे कि अपने कंपटीटर्स के बारे में बताओ तो मैं 2-4 चैनल्स के नाम दे सकता हूँ उनका सब्सक्राइबर बेस। नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं किस तरह से काम करता हूँ। अभी जैसे समझो बीआर सेक्शन में हूँ, तो आफ्टरनून टाइम में कौन से लोग स्ट्रीम करते हैं, उनका सब्सक्राइबर बेस क्या है, चैनल नेम क्या है, उनके एवरेज व्यूज कितने आते हैं, एवरेज लाइक्स कितने आते हैं, ये सब का मेरे पास प्रॉपर बाय हार्ट रिकॉर्ड है। तो मैं पूरा एनालाइज करके काम करता हूँ। क्रेजी मैन, क्रेजी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है जो मेरे को नहीं पता था, बाकी जनता को भी नहीं पता होगा किसी को, और ये सब एक माइंडसेट में चलता है एक स्ट्रीमर के, एंड यही रहता है जो नहीं जो देखने वाले होते हैं ना उनका ऐसे रहता है। जब मैं पहले निखिल को देखता था भाई इसका क्या मस्त है यार, स्पॉन्सर हो जाता है, लगातार आ जाता है, बट अब पता चल रहा है ना कि इसमें मेहनत होती है, बंदा सुबह बाइक लेके निकल रहा है, ठीक है, एक लोकेशन पहुंच रहा है, एक डेस्टिनेशन पहुंच रहा है जी, फुल रिकॉर्डिंग, पहले खाना खाएगा, पूरी रिकॉर्डिंग्स को लाइन से लगाएगा, एडिट करेगा, अपलोड करेगा, फिर सोएगा, फिर नेक्स्ट डे वापस ट्रैवल करेगा। अब समझ में आता है कि ये देखने में आसान है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे थोड़ा सा गंभीर रहने वाला है, वो रहने वाला है पैसों को लेकर। जब फेम मिल जाता है, जब पैसा आना चालू हो जाता है, तब एक स्ट्रीमर की या आपकी, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या मेंटेलिटी रहती है, क्या कैसे उसको कोप अप करते हैं, बिकॉज फेम आने के बाद आदमी थोड़ा सा बदलता तो जरूर है, तो आपने इसको कैसे संभाला? एक टाइम आया था अभी रिसेंटली जब मेरा एक पीक गया था, अभी मैं सेटल हो गया हूँ वापस। जब जून जुलाई अगस्त 2021 की बात है, मैं एकदम पीक पे था, वॉचिंग यूज टू गो 700-700 तक वॉचिंग जाती थी। उस टाइम पे दिन के 10-15,000 आ जाते थे सुपर चैट्स में जी। वो 3 महीना मेरा एकदम क्रेजी रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा हो जाता है, वो ह्यूमन नेचर है, थोड़ी सी अकड़ आ जाती है, बट मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से ये भी बोलता रहा हूँ, डे वन से बोलता रहा हूँ, गाइस जिस दिन भी लगेगा कि आजम बदल रहा है, घमंडी बन रहा है, वही मेरे को टोक देना। ये मैंने हमेशा अपने ऑडियंस को बोला है कि जहां तुमको लगेगा कि मैं अब घमंडी बनता जा रहा हूँ, मेरे को याद दिलाना। मेरे टीममेट्स है मेरे साथ, बहुत मैं शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, डॉन है वो, उसको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, वो तो मुझसे भी बड़ा है, ही इज अराउंड 32-34, एंड वो भी गेम खेलता है आपके साथ, वो मेरे साथ गेम खेलता है, और ट्विंस, एक ट्विंस का पापा है वो, तो एंड गुजराती है, ओके तो गुजराती है, बिजनेसमैन है, तो उसका दिमाग मैं बहुत यूज करता हूँ, जहां जहां फंसता हूँ उसका दिमाग जो है मेरे काम आता है। एंड बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ भी है, एक होता है ना जैसे कि आपने बोला कि एक फेम मिलने के बाद थोड़ा सा हो जाता है जी, बिल्कुल। तो कुछ छोटे मोटे स्ट्रीमर्स को मैंने उल्टा सीधा बोला भी था। अच्छा, कि अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है, और कुछ कुछ होते है ना कि खुद को प्रमोट करने के लिए आ जाते हैं कभी कभी चैट में, भैया मेरा वो कर दो, मेरा वो कर दो, तो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे जवाब भी दिए हैं मैंने। मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर रहा कि मैं बहुत सीधा हूँ। तो इन सिचुएशंस में डॉन ने मुझे डांटा है, हिज रियल नेम इज हार्दिक, हार्दिक गड़ा जी। तो इन सिचुएशंस में उसने मुझे डांटा हुआ भी है, एंड मेरे बिहाफ पे वहां जाके सॉरी बोल के भी आया है। वाओ, मतलब तो इसे कहते हैं अच्छी संगत। हाँ, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम दैट आई हैव विथ मी राइट नाउ, मेरी जो स्टाफ टीम है, जो मेरी सपोर्ट टीम है, जो मेरा पूरा जो KGI फैमिली का, जो इतनी बड़ी जो फैमिली बन पाई है 2-2.5 सालों में, जो मैंने बंदे जोड़े हैं ना जी, ये बहुत करोड़ों से भी ये इसकी बात है। nice, बहुत प्राउड फील करता हूँ इन लोगों का साथ पाके। क्या बात है। तो अभी आपने मेरे को थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि आपने 8-10 लाख का सेटअप जो अपना अपने दम पे 2 साल के अंदर बना लिए,
पीसी एंड ऑल, स्ट्रीमिंग सेटअप एंड ऑल, कैमरा हो गया, लाइट हो गई, कीबोर्ड्स हो गई, सब कुछ आपने ले लिया। तो लाइक गेमिंग इंडस्ट्री में अभी पैसा है आपके, लाइक इस स्टेटमेंट से मुझे पता लग रहा है कि ठीक है एक स्ट्रीमर्स इस पे पैसा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या किस लाइक एक इंडिविजुअल को, अगर एक स्टूडेंट है मान लीजिए वो अभी 11th में, क्या उसको एक बार ट्राई जरूर देना चाहिए इस चीज में, या उसको आगे अपनी स्टडीज को ही कंटिन्यू करना चाहिए? मुझे लगता है 11th के बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि अगला साल बोर्ड होता है। वो स्टार्ट कर सकता है अपने ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अगर कहीं प्लेसमेंट लगती है जहां पे वो एज अ इंटर्न काम कर रहा है, उसके साथ साथ ये कर सकता है, ट्राई कर सकता है। क्योंकि स्ट्रीम करने में क्या लगता है, 2 घंटा 3 घंटा? जी बिल्कुल, आप 2 घंटा रोज का स्ट्रीम करो, कंसिस्टेंसी रखो 3 से 4 महीने 5 महीने 6 महीने की, अगर आपको लगता है कि आप इसमें आगे बढ़ रहे हो तो थोड़ा और टाइम दो, थोड़ा और दिमाग दो। पहले तो कैजुअली स्टार्ट करो जी, बट साइड में कुछ तो होना चाहिए बैकअप। राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के बारे में आपका क्या ख्याल रहता है, मतलब मैं ये नहीं जानना चाहता कि सिर्फ कॉर्डन के बारे में बताएं, लेकिन हाँ अभी जो पूरे भारत वर्ष में ये सब चलता आ रहा है, ई स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोट कर रहे हैं सब लोग, उसके बारे में आपके क्या विचार है? अभी तो शुरुआत है मेजर, क्या है कितने गेम है हमारे पास पॉपुलर गेम्स में, अगर देखा जाए तो सीओडी है, पबजी है, फ्री फायर है पॉपुलर गेम्स में जी, तो अभी शुरुआत है, आ भी रही है। Right. हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये अभी बहुत ज्यादा शुरुआत है जी, मुश्किल से 2-2.5 साल हुए हैं इन गेम्स को उभर के आने में, बिल्कुल मुश्किल से 3 साल हुआ होगा, पबजी ने 2 साल किया, उसके बाद बीजीएमआई में कन्वर्ट हुआ, तो रफली मैं बोलूंगा 3 साल हुए हैं ई स्पोर्ट्स इंडिया में आए हुए। अभी बहुत आगे जाना है, बहुत ज्यादा आगे जाना है, क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है, स्टार्टिंग हमेशा मुश्किल हो जाती है। जैसे आपने बताया कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के वीआर की तो स्टार्टिंग जो है वो जो मुश्किल वाला टर्म होता है वो यहाँ पे केजे ने प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब काफी जो नए स्ट्रीमर्स आएंगे उनके लिए आसानी हो जाती है, थोड़ी सी ऑडियंस बनी बनाई है, तुम्हें पता है कहाँ से करने हैं, तो कहीं ना कहीं जो ई स्पोर्ट्स है इंडिया में उसकी भी स्टार्टिंग हो रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। स्टार्टिंग हो गई है एंड मैं कहूंगा दिक्कत भी नहीं है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, अभी जो इस जनरेशन के पेरेंट्स है ना जी, उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि गेमिंग भी एक करियर होता है जी। हाँ, अब जैसे कि आज मैं पापा बन चुका हूँ, अब मेरी जनरेशन के जो पेरेंट्स होंगे वो खुली छूट देंगे अपने बच्चों को कैजुअली खेलने की, या फिर अगर देखेंगे कि हाँ बच्चा अच्छा खेल रहा है तो उसको बोलेंगे हाँ तू स्पोर्ट्स ट्राई कर, इसमें भी है पैसा। हाँ, तो आई थिंक आज से 5-10 साल बाद ये चीज बहुत ज्यादा बदलने वाली है। स्पोर्ट्स अभी तक शुरुआत है, एक पुल की कली भी नहीं है, अभी बहुत बड़ा पुल खुलना बाकी है, एंड इंडिया इज अ बिग मार्केट, अ ग्रेट मार्केट फॉर दिस, एंड इसमें मुझे लगता है कि अभी कंपनीज को करना चाहिए काम, सही जगह पे काम करना चाहिए, कंपनीज को नहीं, मैं प्रॉपरली एक्टिविजन को ही कह रहा हूँ भाई कुछ करो। आपको मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि आपकी ये सब बातें उनके तक पहुंच के जा चुकी है, आप इस बात का पूरे निश्चिंत हो जाइए कि आपके पास ये जितनी भी आपने बातें बोली वो नहीं गई, बिल्कुल जाने वाली है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो, मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि आप आए, आपने इतने अच्छे तरीके से वार्तालाप करे हमारे साथ और बेहतरीन तरीके से अपना सारा के सारे जो एक्सपीरियंस है, जर्नी है, वो शेयर करी। थैंक यू सो मच अजम भाई। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई डोंट थिंक कि किसी और के साथ मैं इतना कंफर्टेबल हो पाता, बट हम जो कि काफी टाइम से साथ रहे हैं तो अच्छा गया होगा मेरे हिसाब से। बहुत बहुत बेहतरीन गया, बहुत ज्यादा मजेदार है। अच्छा, आपकी द्वारा कोई आखिरी सेंटेंस लाइन या वन लाइनर जो आप हमारी ऑडियंस को या व्यूअर्स को जो अभी देख रहे हैं इस पूरे शो को बताना चाहे या देना चाहे? क्या बोलू, जो मन में है आप बोल सकते हो, सब्सक्राइब करने को बोल दो चलो बस वही है कि एवरीबॉडी वांट्स टू लाइक, जो भी अगर मैं पूरे सीओडी मोबाइल कम्युनिटी के जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनके बिहाफ पे बोलना चाहूंगा जी, कि अगर आप उनको रेगुलरली देखते हो जी, रेगुलरली अगर किसी को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, किसी को भी देख रहे हो, तो कोशिश करो कि अगर पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नेगेटिव कमेंट मत करना। वो बंदा अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ रख के गेमिंग रूम के अंदर घुसता है या फिर अपने गेमिंग सेटअप के पास आता है, तो लेट अस रिस्पेक्ट दैट, और
कोशिश करो कि सपोर्ट करने की अपने अपने फेवरेट स्ट्रीमर को, पैसों का सपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, आपका जो एक सब्सक्राइब बटन है, एक लाइक रोज का जो है वो भी बहुत बड़ी हेल्प करता है। अब उसमें मैं आपको देना चाहूंगा, रीजन भी देना चाहूंगा, जब उसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है तो स्पॉन्सर्स अप्रोच करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। आपके पास नहीं है 20 रुपए 40 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए सुपर चैट करने को, पर यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइब एंड यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ लाइक। आप सब्सक्राइब कर रहे हो, उसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ा रहे हो ताकि वो आगे जाके कंपनी के सामने अपना ये रखे कि देखो मेरे पास ये है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और जो आप रोज का लाइक वाइक दबाते हो उससे उसका चैनल कहीं ना कहीं ग्रो ही करने वाला है, तो इस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पे आने के लिए, आपने शोभा बढ़ा दी इस शो पे आके। थैंक यू सो मच, दिस हैज बीन एन ऑनर। थैंक यू फॉर मतलब इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।